गुड मॉर्निंग टू ऑल. हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, हम पहले देखेंगे कि इसके अंदर हमसे मतलब बेसिक्स क्या पूछ रहा है ये. आपको इसमें फाइंड करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, अब आप ये देखिए कि जीरोस क्या होते हैं और कोफिशियंट क्या होते हैं. कोफिशियंट क्या होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे 2, एक्स का क्या है 8, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होते हैं ना वेरिएबल के साथ, वो हमारे कोफिशियंट होते हैं. और यहाँ पे ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, अब देखो हमने 2.1 में ये डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं. लेट मी रिमाइंड यू, ये क्या है 2x² - 8x + 6, ये क्या है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग डिग्री 2. क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री का. ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है कैसे, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है इसके जीरोस में और कोफिशियंट में. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने ए मार्क करा है. जो हमारी टर्म होती ना, एक होती स्क्वायर, एक होती x की पावर 1 और यहाँ पे होती x की पावर 0. क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है, 1, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसे ए मार्क करा है, 2x² को हमने ए नाम दिया है, 8x को हमने बी दिया है और 6 को हमने सी दिया है. तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो हमारी बीच वाली टर्म होती है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है अल्फा प्लस बीटा को. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोज का सम. हम इसके जीरोज निकालेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने एग्जिस्ट करते हैं, 2. तो एटलीस्ट यहाँ पे हमें 2 जीरो फाइंड करने हैं, उसके बाद उनमें रिलेशन निकालना है. रिलेशन कैसे, आपने 2 जीरोज फाइंड कर लिए, उसके बाद आपने देखा कि भाई आपका जीरोज का सम कितना आ रहा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. इसे मैंने क्या बोला है, सम ऑफ जीरोज. फिर एक और रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. हमको यहाँ पे 2 रिलेशन निकालने हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. देखो अब अगर उसको आपको इक्वेशन से वेरीफाई करना है, क्योंकि पहले हम इसके जीरोज फाइंड तो कर लेंगे, है ना, कि भाई जैसे भी हम निकालेंगे इसके जीरो मिड टर्म स्प्लिटिंग से या जो भी आप यूज करोगे मेथड इसके अंदर, उससे हम इसके जीरोज निकाल लेंगे. सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमें उसे वेरीफाई करना है कि जो हमारे जीरोज आ रहे हैं क्या वो सही है क्या उनका रिलेशनशिप. तो कैसे, सबसे पहले जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा आपको किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए. ये होता है सम ऑफ जीरोज का रिलेशन, ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस के बी अपॉन ए के. और जब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए के. अब देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, अब जब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगी विदाउट सॉल्विंग, मेरा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए. मेरी माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू क्या है 2, ये कितना होना चाहिए 4. अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे. और मेरे प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होना चाहिए, सी अपॉन ए. यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 3. यानी कि मेरा सम ऑफ जीरोस तो 4 आना चाहिए और मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, 3. एक बार फाइंड करते हैं. देखो मैंने इसको सॉल्व किया है कैसे, 2x² 2x² मैं इसको कर रही हूँ मिड टर्म स्प्लिटिंग से. मैंने 8x के फैक्टर क्या लिए, मैंने लिया 6x - 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये वापस क्या हो जाएगा 8x. तो मैंने 8x को किस में स्प्लिट किया, 6x - 2x, और प्लस 6 चल रहा है मेरे पास यहाँ पे. ठीक है, मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया एंड इन दोनों में से कॉमन लिया. इनमें कॉमन लिया तो क्या आया मेरा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 6x है, मैंने 2x बाहर निकाला, अंदर बचा 1x और 2 3 6, ये आ गया. यहां से मैंने -2 कॉमन लिया, तो यहां से खाली x बचा और 2 3 6. अब देखो ये ब्रैकेट सेम हो गया, इसको वन टाइम लिख के इसको इक्वल जीरो कर दूंगी, और जो बाहर से नंबर आ रहे हैं दोनों 2x - 2, इसको लेके इसको जीरो के इक्वल कर दूंगी. अब मेरा अल्फा मतलब मेरे पास एक जीरो क्या आ रहा है, आफ्टर इसको रखना जीरो के इक्वल, उसके बाद मेरा एक जीरो आ रहा है अल्फा और एक जीरो आ रहा है मेरा बीटा. अब जब मैंने अल्फा प्लस बीटा किया तो मेरा कितना आ रहा है 4,
और जब मैंने अल्फा इंटू बीटा किया तो 3 × 1 = 3, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था 8/2, 4, 6/2, 3, देखो अल्फा प्लस बीटा आफ्टर सॉल्विंग भी 4 आ रहा है और वैन पुटिंग वैल्यू तब भी 4 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वैसे भी 3 आ रहा है और वैसे भी क्या आ रहा है 3। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो है वो क्या हो चुका है, वेरीफाइड, ठीक है। अभी हम लोग इसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपको करना कैसे है। इसके अंदर आपको सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, 2 जीरो निकलेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। आपको सम ऑफ जीरोस निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, फिर दोनों को इसमें रख के देखना है वैल्यू में कि भाई बी अपॉन ए रखूं और जब मैं सी अपॉन ए से निकालूं तो क्या मेरे जीरोस का सम और सॉरी हाँ जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट सेम आ रहा है क्या। अगर सेम आ रहा है तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। हमको यही वेरीफाई करना है इसके अंदर। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का मैंने क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस नहीं, आपको इसमें जीरोस फाइंड करना है और उसके बीच में रिलेशनशिप बताना है कि क्या ये वेरीफाइड है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने ऊपर ना इक्वेशन की फॉर्म लिखी है कि जब भी इक्वेशन जब हमारी सॉल्व होती है ना आफ्टर सॉल्विंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो पहला होता है ए एक्स स्क्वायर, फिर होता है बी एक्स, फिर होता है सी। तीन टर्म होती है क्योंकि हमारा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तीन टर्म हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब जब ये सॉल्व होता है ना, देखो ये मेरा के क्या है, तीनों जगह कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये मेरा कॉन्स्टेंट है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ के आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ पे के है। और जो मेरी बीच वाली टर्म होती है ना x के साथ वाली जो टर्म होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है सम ऑफ जीरोस को, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। यानी कि अब देखो वापस देखो, एक्स स्क्वायर सेम, जो a है वो किससे रिप्लेस हुआ है, k से। जो b है ना वो किससे रिप्लेस हुआ है, वो रिप्लेस हुआ है अल्फा प्लस बीटा से। यानी कि b जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोस। जो हमारी बीच वाली टर्म होती है ना वो सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, ठीक है, तो जो मेरा 4 है ना यहाँ पे वो अल्फा प्लस बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है हाल फिलहाल, हमें ये पता है। और जो मेरा 1 है ना यहाँ पे जो कि मेरे सी के इक्वल है, वो इसके अकॉर्डिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा इंटू बीटा को। ये वाली बात समझ में आई आपको। अब हम इसके पहले 0 फाइंड करते हैं और फिर उसमें रिलेशनशिप देखते हैं। अब मैं आपको इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग से बताती हूँ इसको, ठीक है। करते कैसे हैं वो देखो आप, ए बी सी। सबसे पहले आप क्या करो, सी वाले को और ए वाले को मल्टीप्लाई करो। अगर ए के साथ कुछ ना हो ना कोफिशेंट में, तो 1 मान लेंगे उसको, हम उसे कंसिडर करेंगे 1। अगर यहाँ पे अगर मेरे पास 4 नहीं होता और खाली एस स्क्वायर या एक्स जो भी 4s+1 होता, तो उस केस में 1 × 1 = 1, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। फिलहाल मेरे पास क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो 4 × 1 = 4, आपको तो पता ही है, हम चैप्टर 1 में फैक्टर पढ़ चुके हैं। 4 के फैक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, एक तो होंगे 4 × 1, 4 × 1 = 4, एक होंगे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, दैट इज 2 2। अब ये देखो, इसको प्लस या माइनस करने पर आपको ये वाली टर्म कम मिलेगी, क्योंकि मिडिल टर्म का मतलब ये होता है कि आप मिड टर्म को स्प्लिट कर रहे हो। और क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी मिड टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सम को, तो यहाँ पे या तो मैं दोनों नंबर जो भी आपके फैक्टर्स आए उनको ऐसे अरेंज करूं कि मुझे बीच वाला नंबर मिल जाए मेरा, मतलब बी। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, एक तो ये है 4 × 1, तो 4+1 = 5 हो जाएगा, मैं 4 − 1 करूँ तो 3 हो जाएगा। तो मैं इसको ना कंसिडर करके मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे 4s² एज इट इज। 4 का मिलेगा मुझे, मेरे पास फैक्टर थे 2 और 2, जब मैं माइनस का 2s लूं और माइनस का ही 2s लूं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इस केस में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 4+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मिड टर्म स्प्लिट तो हो ही गई है, अब हम जीरोस फाइंड करेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। अब देखो ढंग से ऐसे नहीं बन रहा, हाँ इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 2s। अब जब 4s में से 2s बाहर निकल गए तो कितने बचे 2s - 1,
ये एक फैक्टर हो गया, दोनों नंबर अलग अलग हैं, इस केस में हम लोग वन कॉमन लेंगे, क्योंकि मैंने माइनस वन कॉमन लिया है तो अंदर भी कितना आएगा, माइनस का साइन आएगा, पूरा नंबर एज इट इज। अब क्या करेंगे, ये सेम हो गया, इसको एक बार लिख लेंगे, इक्वल टू जीरो रखेंगे, और जो बाहर वाले नंबर है उनको एक बार लिखेंगे, ये यहाँ आगे क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉइंट टू आ रहा है, और ये भी वन अपॉइंट टू आ रहा है, यानी कि इस केस में मेरा अल्फा कितना है, वन अपॉइंट टू, मेरा बीटा कितना है, वन अपॉइंट टू। अब आपको जब अल्फा प्लस बीटा करना है, निकालना ही है हमको सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा करूंगी तो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू कितना आ रहा है, वन, और अल्फा इंटू बीटा करूंगी तो वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू कितना आ रहा है, फोर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वन आया, अल्फा इंटू बीटा फोर आया। अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं, जो मेरा अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, बी अपॉन ए के। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो बी अपॉन ए, सॉरी माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, फोर अपॉन फोर कट के वन। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सॉरी सी अपॉन ए, सी कितना है वन, ए कितना है वन अपॉन फोर, और वैसे भी हमारा सॉरी वन वन जा वन, हाँ वैसे भी हमारा क्या आ रहा है, वन अपॉन फोर। मेरा अल्फा प्लस बीटा जीरोस निकाल के करूं तो भी वन आ रहा है, और जब मैं माइनस बी अपॉन ए की हेल्प से करती हूँ तो भी वन आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा वन अपॉन फोर आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा वैसे भी वन अपॉन फोर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, हमने इसके जीरोस भी निकाल लिया और उसको वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, अब अपन एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए। यहाँ पे हमारे पास ओनली दो ही टर्म गिवन है हमको, टी स्क्वायर और माइनस फिफ्टीन। अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना तो आपको दे रखा है स्क्वायर वाली टर्म, दैट इज ए, फिर आपके पास टी वाली टर्म नहीं है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, पहले स्क्वायर आता है फिर टी आता है फिर टी की पावर जीरो आता है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, सी ए सीधा, मतलब आपको ए दे रखा है और सी दे रखा है ना, आपके पास बी नहीं है, तो देखते हैं हम लोग इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे। ऑब्वियसली बात है इसमें मिड टर्म तो है नहीं, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग तो हम कर नहीं सकते, इसके लिए हम क्या ऑप्ट करेंगे, देखो हम लगाएंगे थोड़ा सा अपना दिमाग और मैथ्स, ये किसका स्क्वायर है, अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, ये टी का स्क्वायर है, क्योंकि टी स्क्वायर का पता है जब मैं टी का स्क्वायर करूंगी। ठीक है, अब हमारी बात 15 की, अगर हमारे पास यहाँ पे 25 होता ना तो आप लोग बहुत इजीली कर लेते, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, अभी क्या हो रहा है 15 है, लेकिन हमको ये पता है कि जब मैं देखो 15 के फैक्टर कैसे करूंगी, मैं 15 के भी फैक्टर हो जाते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन वो क्या होता है, रूट 15 और रूट 15, जब मैं 15 को 15 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिल रहा है, आई मीन सॉरी रूट 15 और रूट 15 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिल रहा है 15, तो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगी, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है रूट 15 का, समझ रहे हो आप लोग, जैसे 25 का अगर लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 5 × 5, है ना, हम ये लिखते हैं, तो अभी मेरे पास 15 है तो 15 के फैक्टर सेम नंबर में कब होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में तो 5 × 5 आ जाएगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा कोई नंबर मिले ना और उसको उसकी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो आप लोग क्या करोगे, उसको उसके रूट की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि हमको पता है कि रूट 15 और रूट 15 कितना होता है 15। ओके, तो मैं लिख सकती हूं रूट 15 का स्क्वायर, अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ओपन कैसे करेंगे, हमें पता है ऑलरेडी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इस केस में मेरा ए क्या है, मेरा ए है टी और मेरा बी क्या है रूट 15, तो मैं इसे लिख सकती हूं सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फाइन। अब देखो
इसको रखना है जीरो के इक्वल, क्योंकि जीरोस निकालना है। जीरोस कब निकलते हैं? जीरो के इक्वल रख के, हमने नाइन्थ में पढ़ रखा है दोनों को, इसको और इसको, बारी बारी से मैंने जीरो के इक्वल रखा, तो ये क्या हो गया? माइनस का रूट 15, और ये क्या हो गया? प्लस का रूट 15। क्यों? क्योंकि माइनस यहां आके क्या हो गया, इस साइड इक्वल, जीरो के इधर आके इक्वल के इधर आके प्लस हो गया, सॉरी प्लस क्या हो गया, माइनस, और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इस केस में ये मेरा अल्फा हो गया और ये मेरा बीटा हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? अब देखो, जब आपको अल्फा प्लस बीटा करना है तो अल्फा कितना है? माइनस का रूट 15। बीटा कितना है? प्लस का रूट 15। प्लस माइनस, माइनस कितना हो गया ये? जीरो। और जब मुझे अल्फा इंटू बीटा करना है तो माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15, तो रूट और रूट क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, कैंसिल। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 15। ये तो हुआ मेरा उससे, किससे? सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, है ना। मेरे पास अल्फा मेरा एक जीरो आया था माइनस का रूट 15 और एक आया था प्लस का रूट 15। जब मैंने दोनों को सम किया, है ना, तो प्लस माइनस माइनस ये कट के जीरो आ गया, और जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रूट 15 और रूट 15 कितना हुआ मेरा? माइनस का 15 ओनली। अब मैं क्या करूंगी, इसको उस रिलेशनशिप से करूंगी। वो क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा वैसे क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में ये ए की टर्म थी, मतलब ये टर्म ए को रिप्रेजेंट कर रही है और ये टर्म सी को रिप्रेजेंट कर रही है। इस केस में हमारे पास बी क्या है? जीरो, टर्म ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? माइनस का बी अपॉन ए, दैट इज जीरो अपॉन ए, कितना है? वन, इसके साथ कुछ नहीं तो हम वन मानते हैं, तो ये भी कितना हो गया? जीरो। तो ये जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है। और जब मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगी तो वो मेरा होता है सी अपॉन ए। मेरे सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? माइनस 15। ए कितना है? वन, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है आफ्टर सॉल्विंग? ओनली 15। तो मेरे अल्फा प्लस बीटा वैसे भी जीरो आ रहा है और वैसे भी जीरो आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा वैसे भी माइनस 15 आ रहा है और वैसे भी माइनस 15 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या हो गया है? यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। ईजी है ना ये क्वेश्चन? अब आपके मैंने दो पार्ट करवा दिए और एक एग्जाम्पल करवा दिया। आप लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है, और ऐसे ही करिएगा तो आराम से हो जाएगा इजीली। पहले आप उसके जीरोस फाइंड कर लो अल्फा बीटा, फिर उसको मतलब प्लस या माइनस जो भी साइन के साथ आ रहा है उसे करके देखो कि भाई अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ रहा है और वैसे बी अपॉन ए में पुट करने पर कितना आ रहा है, वो दोनों सेम होने चाहिए। फिर अल्फा इंटू बीटा वैसे कितना आ रहा है और पुट करने पर कितना आ रहा है, वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? रिलेशन आर वेरीफाइड। कि हमारा रिलेशन क्या हो गया है? वेरीफाइड हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, किसका? 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।